पहले जाने के लिए दे रहे हैं, पहले जाने के लिए भाई साहब जरा सामने से हेलो बाकी लोग आपने वही साइन करना साइन दिया सर आप पीछे आइए सर पीछे हो जाइए लगा के लगता मत यार थोड़ा सा उधर हो जाओ ना ये तो पीसीसी प्रेसिडेंट आप ठीक है बात करना मैं समझ नहीं 10 मिनट रुक जाओ चले आए उधर माइक जल्दी लगाओ अरे यार माइक का क्या कर रहा है माइक ले लो ओके आने के लिए रास्ता रखो अरे थोड़ा पीछे हो यार उसका रास्ता तो छोड़ दो पीछे हट जाओ खुद ही आप आ गए अरे सर क्या कर रहे हो यार अरे आप मेरा दबा के रखो यार थोड़ा पीछे चलो जगह तो है अरे मेरा फ्रेम खराब हो जाएगा अरे माइक पीछे माइक पीछे माइक पीछे मेरा साहब मेरा साहब मेरा साहब ये बता दीजिए यार रुक जाओ 1 सेकंड से एक सेकंड अभी पहले की बात करेंगे मीडिया से बात आप सबसे बात करेंगे आप से मिलने वगैरह नहीं जाएंगे सर एक मिनट सर कल एक आपके बयान पहले मैं शुरू कर दूं जी जी यार ये रिकॉर्डिंग कैसे भूल गए देखो कांग्रेस संगठन के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण दौर में आ गए हैं और आज अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निश्चित हुई है हमारे देश में 36 सेंटर हैं जहां पर कि मतदान हो रहा है इनमें प्रदेशों के अलावा जो नए 3 राज्य बने हैं वो शामिल हैं और मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी भी 36 में शामिल है मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव श्री मुरली देवड़ा चुन लिए गए हैं वेस्ट बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी भी चुन लिए गए हैं और दूसरा चुनाव का दौर समय समय पर होता रहेगा चुनाव बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं और किसी भी तरह की कहीं से भी
कोई शिकायत नहीं आ रही है। लखनऊ में श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना मतदान दे दिया है और जितेंद्र प्रसाद जी ने भी वहाँ पर मतदान कर दिया है और सब जगह से यही सूचना आ रही है कि व्यवस्थित ढंग से सारी कार्रवाई चल रही है। पर सर आपने कल कहा था यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे द इलेक्शंस आर कंडक्टिंग, सो व्हाट इज द, यू सेड समथिंग अबाउट द शॉर्टकमिंग्स। व्हाट आई हैड सेड दैट देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन आवर इलेक्शन प्रोसीजर, आई हैड सेड दैट बिफोर आल्सो and this statement is no great shake. There are shortcomings even in the general election which are conducted. There are cases of booth capturing, there are cases when there's violence at the polling stations, people have been known to run away and throw in the well ballot boxes even in the governmental elections. So an election involving crores and crores of members, to organize them in a proper way, if I say there have been some shortcomings, this is nothing unusual. So when is this decided as shortcomings? One minute. Have the shortcomings violated the election process? It has not. They are of a very minor nature and we have a mechanism. When I say that a number of complaints have been received, it shows that the congressmen all over the country have faith in the election process that we have initiated recently. And under that process, we are going to examine all those complaints and take necessary action. But sir, Jitendra Prasad ji ka kehna hai ki kai election to kai states mein, districts mein hue nahi hai kai states mein. For example, you take the example of UP, jahan pe kehna hai raaton raat baithe. Agar UP se koi bhi shikayat aayegi, hum uski puri jaanch karenge. Ye main aapko vishwas dila sakta hu. Mirza ji, wahan jo UP PCC ke member hai jinhone aapko resign kiya hai, मोहम्मद असलम खान, उन्होंने सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया है कि ऐसे लोग डेलीगेट बन गए जो पार्टी के कभी प्राइमरी मेंबर नहीं रहे। ये भी जांच का विषय है, इस तरह की शिकायत आई है और हम उसकी जांच करेंगे और उसका पूरा निराकरण करेंगे। Another thing, मिर्जा जी, in when the nature of the election is secret voting, the Chief Minister of Delhi as well as Captain Satish Sharma, when they casted their votes, they showed it. Oh, they just opened it and showed. So what kind of, you know, isn't it just the beginning of another controversy? We have always tried to impress on everybody that there would be secrecy of voting, and we have taken a number of steps to ensure that. I do not know about the particular incident, and therefore I can't say, except for stray cases, anything like that would happen anywhere. But you'll see it in a very few hours because it's been captured in the camera. What has been the reaction? What action? First, let me see the camera, then I'll react. Sir, whom you have given vote? Sir, मेरे सामने कहाँ से? आपने vote किसका दिया? I am pledged to secrecy of ballot. Jitendra Prasad के agent का ये कहना है. Sir, overall आप कह सकते हैं कि आप satisfied हैं. Overall, I am satisfied. Looking to the tremendous operation that we have gone through. Looking to the complexity of the situation and whatever problems we are facing, it is a very satisfactory progress and we are proceeding on right lines. कौन सीट बाय दैट ही हैज सम प्रॉब्लम दैट शीला दीक्षित जी एंड सतीश शर्मा जी ने ओपनली वोट किया है, तो the agent is, you know, complaining now. What action will you will there some action be taken? I have heard of it for the first time and I can't react. Mr. Mirza, upar karwa camera, there are various type of shortcomings as are reflected in the complaints and representation that you received. It could be that people not eligible have voted, it can be that proper elections are not held in a ballot, all sorts of things have been said. And this is what I mean when I say there have been some shortcomings. I admit it. There's no problem on that. This election is voting is secret. Two prominent people have shown their ballot papers to the media. Now, what kind of redressal can be there in this case? I have just heard about it and I can't react. Under these conditions, will you prefer to hold the elections again if you know things come out in the open? I cannot comment till I know full facts. No, just now you said about the shortcomings. If many shortcomings, you know, come into focus. It is a hypothetical question. Thank you.
सर इसका